everyone, welcome to my YouTube channel. So let me first introduce myself. My name is Neha and currently I am pursuing my bachelor's in agriculture from CSKHPKV Palanpur. And आज हमारा पहले सेमेस्टर का लास्ट एग्जाम है और मैं अभी अपने हॉस्टल में हूँ और अब हम आपको दिखाएंगे कि हमारे हॉस्टल में बच्चे किस तरह से अपने लास्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो लेट्स गो. सो गाइस, अभी मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ. आज आलू के पराठे बने थे. एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद माय रूममेट विभूति. सो विभू, आप क्या कर रहे हो? हाँ, अब आप देख सकते हो हम आधे घंटे पहले पढ़ रहे हैं. रात से हमने कुछ किया नहीं है. हम इसी एक्साइटमेंट में थे कि लास्ट एग्जाम है और हम किसी ने कुछ नहीं पढ़ा. और फिर आपको कैसा लग रहा है, आज आपका लास्ट एग्जाम है? गुड. तो फिर आगे क्या प्लान्स है? कितनी मूवीज देखनी है आपको? मूवीज नहीं देखनी, सीरीज देखनी है. ओके, तो ये सीरीज नेटफ्लिक्स? हाँ. और वो देखो, आप देख सकते हो कि उसने खाने के लिए रखा हुआ है, ये हमेशा खाती रहती है. और चलो, तो फिर मैं भी पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आपको रिएक्शन बताएंगे हमारा एग्जाम कैसे हुआ. ओके, बाय बाय. ओके, तो अब हम सबके रूम में जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको आज कैसा फील हो रहा है, क्योंकि आज लास्ट एग्जाम है. सो लेट्स गो. तो अब हम जाएंगे 411 में. हाय गाइस. तो अब कितना पड़ा? सो गया है, थोड़ा सा बचा है अभी. तो आप देख सकते हैं ये मुस्कान गौंडल है, आप देख सकते हैं, और ये पढ़ाई कर रहे हैं अपने लैपटॉप से. तो फिर आपको कैसा महसूस हो रहा है, आज आपका लास्ट एग्जाम है? सेमेस्टर खत्म. सेमेस्टर खत्म. हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 महीने से हम कंटिन्यू एग्जाम दे रहे हैं, कंटिन्यूसली एग्जाम दे रहे हैं, और आज हमारा फाइनली लास्ट एग्जाम है और इसके बाद हम सेकेंड सेम में हो जाएंगे. फरहाना, आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो. आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, क्या लास्ट एग्जाम है. हाँ, तो अब हम दूसरे रूम में चलते हैं. बाय बाय. बाय बाय. तो ये हमारा फोर्थ फ्लोर है और अब हम चलेंगे 410. नॉक नॉक. बड़ी खुशी है. आप तैयार हो चुके? पॉज कर ले. आप कर लो गाइस, आप बता दोगे हमें? हाँ बिल्कुल, काश आज ऐसा हो पाता तो हम बता देते आपको, ऐसे मुझे नहीं आता है. चलो, तो आप देख सकते हो गाइस, इन दोनों की तो सुबह ही नहीं हुई है, हालांकि ये फोन में पढ़ रहे हैं, फोन में ये पढ़ रहे हैं, पीपीटी से पढ़ रहे हैं. और साक्षी, आपको कैसा लग रहा है, आज लास्ट एग्जाम है? खुशी भी है, डर भी है. डर किस बात का है? फॉरेस्ट्री का पेपर. बड़े बड़े एग्जाम. हाँ गाइस, मैं आपको बताना भूल गई, आज फॉरेस्ट्री का एग्जाम है. हालांकि हम बड़े बड़े एग्जाम दे चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉइल साइंस जो कल था. सॉइल का पेपर कैसे हुआ? पास हो जाएंगे. हाँ, हम सॉइल में पास ही होते हैं. हाँ, तो ठीक है. चलो, अब किसके रूम में चले? अब हम चलेंगे विशाखा के रूम में. और आप देख सकते हो कि हमारी श्रेया यहाँ पे और विशाखा तो है. विशाखा, मिस्टर इंडिया. फिर अब हम श्रेया से पूछेंगे, जो कि अभी तक रेडी बिल्कुल नहीं हुई है. हाँ, ये इसने पूजा पाठ कर लिया है, देखो पूजा पाठ. जय हो. फिर पूजा पाठ वाली लड़की, कैसे रहा आपका एग्जाम, की प्रिपरेशन हो रही है? हेलो सृष्टि. हेलो ईशु. हेलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सो हाउ इज योर एग्जाम प्रिपरेशन? बस कर रहे हैं अभी तो. कैसा लग रहा है आपका लास्ट एग्जाम है? बहुत अच्छा, सब तो
आजाद हो जाएंगे. हाँ एग्जैक्टली सच में आजाद हो जाएंगे. पढ़ पढ़ के अच्छी हो चुकी है. और इशू आपका? मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं, मुझे तो पहले लगा था लास्ट एग्जाम है, मैंने नहीं पढ़ा नहीं. हाँ सबको ऐसा लग रहा था. तो चलो फिर आज मजे करते हैं. चलो ओके तो हम पेपर देख के आ गए, अब हम रिएक्शन देखेंगे. हाउ इज द एग्जाम? अच्छा रहा है, सब करके आया है. दो क्वेश्चन छोड़े. कौन कौन से? एक वो ग्राउंड वाला था 6 नंबर का. हाँ, और एक वो डिफरेंशिएशन 6 नंबर का 12 नंबर के. एक पर्टिकुलर ऑप्शन. ओके ओवरऑल गुड. अब हम आगे पूछेंगे कि और को कैसा था. यार इस मिस्ट्री में So guys, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? पेपर कैसा हुआ? बढ़िया हमें छुट्टियाँ चाहिए भाई. आपको पेपर कैसा हुआ? हो गया बस. हो गया. अब आपको कैसा लग रहा है पेपर खत्म हो गया? कुछ नहीं लगेगा. हाँ मैं आपको बता दूँ कि हमारी छुट्टियाँ नहीं हो रही है और हम दुख में हैं. अब हम आगे नेक्स्ट से पूछेंगे. सो गाइज तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ? अब हम इससे पूछेंगे आज के एग्जाम कैसे हुआ? आज का एग्जाम काफी बढ़िया हुआ, टॉप मारने के 100% चांसेस हैं. हाँ तो अब और आपका? और उसके बाद भी तो कुछ बोलने हमारे द्वारा बोली गई सारी बातें काल्पनिक है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है. बस खत्म. डिस्क्लेमर में डाल दूंगी, डोंट वरी. अब हम पूछेंगे सृष्टि आपसे, आपका एग्जाम कैसे हुआ? हाँ आप सब करके आए हो. हाँ और आप पूछेंगे हम पृष्ठा जी से. पृष्ठा जी लुक एट हियर. हाँ सो ये आंचल है. आंचल हाउ इज द एग्जाम? एग्जाम वाज गुड, प्रीटी गुड. जो वो लास्ट क्वेश्चन चीज है वो नहीं होना चाहिए थी. हाँ बहुत दूसरियाँ लिख सकते थे. आई अग्री, आई अग्री, आई अग्री. लास्ट में चेंज करते थे, बहुत पर्टिकुलर आंसर लिखने पड़े. हाँ हाँ अग्री अग्री. और क्या? अब हम आयुषी से पूछेंगे. हाँ तो तुम्हारे आगे के प्लान क्या है? अब छुट्टियाँ हो रही हो तो नहीं रही है वैसे? सो हाउ इज द एग्जाम प्रियांशु? आज मैं बताता हूँ एग्जाम चलते रहते लाइफ में. लाइफ अपने आप में एक एग्जाम है. ओके तो मेन फोकस आपको होना चाहिए अदर एक्टिविटीज, ये चीज. दिस इज बट कुछ नहीं होता है. ओ माय गॉड. सो यू कैन सी परंतु हाँ और बारिश हो रही है बहुत ज्यादा. आप लोग देख सकते हो अभी थोड़ी देर पहले तो कुछ ज्यादा हो रही थी, अब थोड़ी कम हो गई है. और अब हम वापस जा रहे हैं अपने हॉस्टल. सो अब हम अपनी रूममेट से पूछते हैं कि उसका एग्जाम कैसा हुआ. विभू कैसा एग्जाम? ठीक ठीक हुआ. ठीक ठीक क्यों? प्रगति आपका कैसा हुआ? अच्छा फिर अब आपको कैसा लग रहा है? पेपर तब खत्म हो गए हैं. 2000 years later. तो फिर आज हमारा लगा से ही एक्सपेंड हो गया. हम पेपर दे के आए और सबके रिएक्शन तो आपने देख ही लिए हैं. उसके बाद हम डस्ट किया और अब हम हॉस्टल में ही हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं तो मैं सोच रही हूँ उनका रिएक्शन ले लूँ. सो मुस्कान अभी घूम के आ रहे हैं. तो मुस्कान आप चले गए थे तो आप बताओ आपका एग्जाम कैसा रहा आज का? लास्ट पेपर अच्छा लगता है मतलब इतना खास नहीं हुआ. ठीक ही था, लग ही नहीं रहा था कुछ जो बड़ा था उससे आया था. हाँ सही बात है. लास्ट के क्वेश्चन जो थे वो चेंज करवाने पड़े सर से बोल के. फिर विभूति और सृष्टि आपके सेकंड सैम के क्या प्लान्स है? आप हमें थोड़ा बहुत बताएंगे. हाँ जेनेटिक्स एग्जैक्टली. हम जीपी पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर में. हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है. ओके गुड. एंड व्हाट अबाउट योर ड्रेसिंग स्टाइल एंड ऑल? देखते हैं अभी से क्या सोचा नहीं है. छुट्टियाँ आएंगी तो क्या सोच रहे हो? ओके तो बातें करेंगे बहुत सारी.
अच्छा ठीक है फिर 2000 years later for my first ever vlog I hope you all liked it and अगर आप लोगों को और ऐसे ब्लॉग्स देखने हैं ऐसे स्केच पी के पालमपुर यूनिवर्सिटी के तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग्स बना पाऊँ और आप लोगों को दिखा पाऊँ कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बच्चों की लाइफ कैसी होती है कितना स्ट्रेस होता है कितना एंथुजियाज्म होता है उनमें और कितने वो खुश होते हैं और कितने वो सैड होते हैं मैं सब कुछ बता सकती हूँ और आज के लिए बस इतना ही अब हमारी अटेंडेंस लगेगी फिर हम डिनर करेंगे और फिर हम सो जाएंगे कुछ कुछ मूवीज देखेंगे वो देखते रहे मैं तो सोने वाली हूँ सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब थैंक यू Bye bye, take care.